हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 31 है। इस वीडियो में हम रेफरेंस वेरिएबल के बारे में समझेंगे। सो वेरी फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल। सो अ वेरिएबल ऑफ एनी क्लास टाइप इज नोन एज रेफरेंस वेरिएबल, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसका टाइप कोई क्लास होता है उसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, हमने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्ट्रिंग str इक्वल न्यू स्ट्रिंग। यहाँ यह जो न्यू स्ट्रिंग लिखा हुआ है यह स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यह जो str लिखा हुआ है यह वेरिएबल है, और इसका टाइप जो है वह है एक क्लास। अतः str जो है वह एक रेफरेंस वेरिएबल है। Now we will discuss what is stored in a reference variable. So reference variable stores reference value of an object. यानी reference variable किसी object की reference value को store करके रखता है। और we can say reference variable can refer to its class type object. यानी जो reference variable है वह जिस type का होता है उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि एक क्लास है पर्सन, और इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा हुआ है पर्सन ref इक्वल न्यू पर्सन। न्यू पर्सन जो लिखा है वह पर्सन का ऑब्जेक्ट है, और यह जो हमने ref लिखा हुआ है यह रेफरेंस वेरिएबल है जिसका टाइप है पर्सन। तो यहाँ पे हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया और इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है उसको ref वेरिएबल में स्टोर किया जो कि पर्सन टाइप का ही है। अतः हम कहते हैं कि जो रेफरेंस वेरिएबल है वह जिस टाइप का होता है उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसी टाइप के ऑब्जेक्ट की रेफरेंस वैल्यू को स्टोर करता है। वन मोर थिंग अबाउट द रेफरेंस वेरिएबल एंड दैट इज रेफरेंस वेरिएबल कैन रेफर टू इट्स सब क्लास टाइप ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि जो रेफरेंस वेरिएबल है वह न केवल खुद जिस टाइप का होता है उस टाइप के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, अपितु उसके जो सब क्लास है उस टाइप के ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है। जैसे यहाँ देखें, इस एग्जांपल में हमने क्लास पर्सन क्रिएट किया और फिर इस पर्सन क्लास की सब क्लास बनाया, और उसके लिए लिखा हुआ है क्लास एम्प्लॉई एक्सटेंड पर्सन। तो यहाँ जो पर्सन है वह एम्प्लॉई क्लास की सुपर क्लास है, और जो एम्प्लॉई है वह पर्सन क्लास की सब क्लास है। तो यहाँ पे और एक स्टेटमेंट हमने जो लिखा हुआ उसमें देखें पर्सन ref इक्वल न्यू एम्प्लॉई। इस स्टेटमेंट में हमने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वह एम्प्लॉई क्लास का बनाया है, किंतु यहाँ जो रेफरेंस वेरिएबल हमने ref बनाया है वह पर्सन क्लास का है। जावा में ये पॉसिबल है, यानी यदि ऑब्जेक्ट है वह सब क्लास का है तो उसको सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल से रेफर करवा सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वह सब क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट को भी रेफर कर सकता है। नाउ रेफरेंस वेरिएबल को समझने के लिए हम एक जावा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्लास पर्सन क्रिएट किया है यहाँ पे, और उसमें एक मेथड हमने डिफाइन किया है शो डिटेल, और उसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलाइन में पर्सन लिख दिया है और मेथड को, और फिर क्लास को हमने यहाँ पे क्लोज किया। देन पर्सन क्लास की सब क्लास बनाने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा क्लास एम्प्लॉई एक्सटेंड पर्सन, और इसमें जो पर्सन क्लास इसकी सुपर क्लास है उसकी जो शो डिटेल मेथड है उसको ओवरराइड किया हुआ है, और उसके लिए लिखा void show detail system.out.println employee। तो यहाँ पे जो employee person class की सब क्लास है उसमें हमने person class की show detail method को override कर दिया है। Now method को close किया और class को भी close किया। Next हमने class demo declare किया, उसके अंदर main method को define किया, और main method में हमने person का object बनाने के लिए लिखा हुआ है person p equal न्यू पर्सन। यहाँ पे न्यू पर्सन जो लिखा हुआ है हमने वह पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है, और यह जो p हमने लिखा हुआ है यह रेफरेंस वेरिएबल है जो कि पर्सन टाइप का है।
तो यह स्टेटमेंट तो बहुत इजी है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है कि पर्सन टाइप का जो रेफरेंस वेरिएबल है वह पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने पी पे शो डिटेल मेथड को कॉल किया है। सिंस यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पर्सन क्लास का है, तो पर्सन क्लास की शो डिटेल मेथड कॉल होगी और उसमें जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए लिखा हुआ है पर्सन ई इक्वल न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो एम्प्लॉय क्लास का है और जो रेफरेंस वेरिएबल ई क्रिएट किया है वह पर्सन टाइप का है। यानी इस स्टेटमेंट में सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जो कि जावा में करेक्ट है। किंतु जब सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है और उस केस में जब हम ओवररिडन मेथड कॉल करते हैं, यहाँ पे देखें जैसे हमने ई डॉट शो डिटेल मेथड कॉल किया हुआ है, तो ई डॉट शो डिटेल मेथड जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो मेथड कॉल होगी वह उस क्लास के मेथड कॉल होगी जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एम्प्लॉय क्लास का है, भले ही जो रेफरेंस वेरिएबल है वो पर्सन का हो, तो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का होने की वजह से एम्प्लॉय क्लास की शो डिटेल मेथड कॉल होगी और इसके अंदर जो भी कोड लिखा है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा पर्सन और एम्प्लॉय। इस वीडियो में हमने जावा के अंदर रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं वह देखा। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।